डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। दरअसल पूरा मामला मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के ग्राम नंगला शेखू का है, जहां पर युवती समरीन के साथ ग्राम के ही विजेंद्र पुत्र शोधन सैनी ने छेड़छाड़ की थी, जिसमें वह जेल भी गया था। तब से सैनी समाज के लोग युवती के परिवार से रंजिश रखने लगे और बार बार प्रार्थी व उसके परिवार को मुकदमा वापस लेने की धमकी लगातार दी जा रही थी। और दिनांक 4/10/2022 को रात के करीब 9:15 बजे सैनी समाज के लोग हथियारों से लैस होकर युवती के घर पहुंचे, जहां पर युवती के परिवार वालों के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़ित परिवार की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं कुलदीप सैनी के हाथ में छुरा था, जो उसने कैद पुत्र मोहम्मद शान के पैर में छुरा मार दिया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया और सभी मुलजिमान वहां से धमकी देते हुए फरार हो गए। पूरी घटना की जानकारी प्रार्थी ने 112 पर कॉल कर दी तो पुलिस ने उल्टा प्रार्थी के लड़के को उठाकर थाने ले आई और अभी तक नहीं छोड़ा है। अब प्रार्थी न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रार्थी के भाई हेविन खान ने यह जानकारी दी। मेरा नाम हेविन खान है और मैं छात्र नेता हूँ चौधरी चंद सिंह विश्वविद्यालय का। मैं समाजवादी पार्टी में योजन सभा का प्रदेश सचिव हूँ। आज हम कप्तान साहब से इस संबंध में मिलने आए थे। अभी 2 दिन पहले मेरे गांव में मुझसे रंजिश रखने वाले लोगों ने मेरे घर पर लगभग सैकड़ों संख्या में लाठी डंडे तमंचे और चक्कों के साथ हमला किया। हमने बचाव में वहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर थाना इंचोली के इंस्पेक्टर को। पुलिस आई और पुलिस हमें ले गई। पुलिस ने कहा हम आपकी तहरीर लेंगे, पर वहाँ जाकर उल्टा हुआ। पुलिस ने हम पर ही मुकदमा करके हमें कोर्ट में पेश कर दिया। मेरे परिवार में 3 महिलाओं के और 8 परिजनों के फर्जी नाम हैं। हम पीड़ित हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई करी, अमर उजाला अखबार ने दूसरे पक्ष के संबंध में आके मुझे PFI का मेंबर बताया। मेरा कोई भी PFI से लेना देना नहीं है, ना ही मैं इस संबंध में किसी भी शख्स को जानता हूँ। तो मेरे भविष्य खराब, मेरे परिवार को उजाड़ने की जो साजिश है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की अहम भूमिका है। तो मैंने आज कप्तान साहब से कहा, साहब आप इस प्रकरण में सही जांच करवाकर निष्पक्ष कार्रवाई करें और मेरे पर जो दाग लगा आप इस दाग को मिटवाने में। साहब मेरे सामने जो दूसरे समाज के जो वर्ग है दूसरा, वो लोग हमसे रंजिश रखते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने मेरे परिवार में, एक मेरी बहन थी उसके साथ छेड़खानी करी। मैंने उसके केस में पैरवी करी। मैं पेशेवर एडवोकेट भी हूँ, तो इसी वजह से वो लोग मुझसे घृणा करते हैं। उस लोगों ने मेरे से बदला लेने की कोशिश करी, इसलिए मुझे उन्होंने PFI का एजेंट बताया। हम ये चाहते हैं कि आप ये जो मेरे ऊपर जो गलत आरोप लगे हैं, इनका खंडन हो। और कप्तान साहब ने कहा कि हमने इसमें जांच करवाई, आपका इस चीज़ में कोई भी संबंध नहीं है। हम इस संबंध में मिले थे साहब, आप हमारी दी गई तहरीर पर कार्रवाई करें और दूसरे पक्ष के लोगों पर मुकदमा कर उन्हें जेल भेजने का काम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FastBite.TV। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।